कुणाल पेडला। मैं स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं क्लास फिफ्थ का छात्र हूँ। मैं आज कोरोना वायरस के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। कोरोना वायरस एक महामारी है जिसने पूरी विश्व पर तबाही मचा रखी है। मैं कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस से बचने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, घर से बाहर न निकले और सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और अगर आप घर से बाहर निकले तो मुंह पे मास्क या रुमाल लगाकर निकले और हर आधे घंटे में 20 सेकंड तक हैंड वॉश करें। अगर आपको कोई बीमारी हो तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या चिकित्सक को जाँच करें। माय नेम इज़ तेजस खंडेलवाल। आई स्टडी इन क्लास 5th बी। स्कूल इज स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल एंड टॉपिक इज़, मैं आपको आज कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने 2-4 लाइन आपके लिए तैयार की है, वो मैं सुनाऊंगा। जिसने याद दिलाया है प्राचीन काल में, वो है कोरोना काल, नियम से चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। कोरोना, इससे डरो ना। ये महामारी गैर जिम्मेदारी के लिए है। मेरा प्रणाम है पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और डॉक्टरों के लिए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रिया धनगर। आई स्टडी इन क्लास 5th। आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। कोरोना वायरस 2019 नवंबर में चीन के वुहान शहर से आज पूरी दुनिया में अपने पांव पसार चुका है। यह बहुत बड़ी महामारी है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, सुरक्षा ही इसका बचाव है। इसलिए हमें अपने हाथों को साबुन से बार बार धोना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, मास्क लगाएं, छींकते या खांसते समय टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें, मुंह आंख और नाक के बार बार हाथ ना लगाएं, घर पर रहें, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू। मैं आपको कोविड-19 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कोविड-19 का फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज है, जो चाइना में दिसंबर 2019 में पाया गया था। हमें कोरोना वायरस से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करें। घर पर रहें तो सिर्फ घर पर ही रहें। दिन में कम से कम 10 बार हाथ धोएं। अपनी आँख नाक मुंह को छूने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सर्दी हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।